नमस्कार साथियों, सबसे पहले आज 31 दिसंबर है, 2022 का अंतिम दिन। तो कल 1 जनवरी 2023 होगा। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, नौ वर्ष की शुभकामनाएं मेरे साथियों, सभी मेरे एसटीटी के भाइयों एवं बहनों को, मेरे साथियों को, मेरे जिगर के टुकड़ों को, और साथ में सभी सीटेड बीटेड और बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो मेरे साथियों। 2022 शानदार रहा, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, हमारी 100% सफलता नहीं है, लेकिन यह हमारी आंशिक सफलता होगी। हमने जबरदस्त संघर्ष किया है, बिहार में अपनी आवाज को बुलंद किया है, सरकार को सोचने पर मजबूर किया है। ये हमारी 2022 की उपलब्धि है, और इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर हम 2023 में रणनीति पर विचार करेंगे कि सरकार संपूर्ण 3,38,000 बहाली करे, 1,25,000 के लगभग माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में, और बाकी प्राथमिक में बहाली करे, क्योंकि प्राथमिक में भी जितने हैं वो सारे के सारे एसटीटी और मेरे साथी हैं, तो कोई अलग है नहीं। और बिहार के लिए, हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो लड़ नहीं रहे। तो हम सभी साथियों से ये नम्र निवेदन करेंगे कि हौसला बना करके रखना है। हमें जो भी मिला है, जो भगवान ने दिया है, जो हमारे कर्मों में था, जो हमारे किस्मत में था, उसको स्वीकार करना है। जिंदगी लंबी है, लंबी लड़ाई है, तो हम लोगों को हौसला नहीं हारना है मेरे साथियों, लड़ने के लिए तैयार रहना है। और हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और जीत के साथ इस आंदोलन का अंत करेंगे। तो कोई हौसला मत हारना, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रखना मेरे भाई, हमेशा तैयार रहना। 2022 में मुझे याद है, आंदोलन तो 2021 से ही चल रहा है, लेकिन 2022 के मुझे याद है, पहला आंदोलन मैंने 11 फरवरी को किया था, जब आत्मदाह कार्यक्रम माननीय शिक्षा मंत्री के आवास पर था। अंतिम आंदोलन 13 दिसंबर को, सब जानते हैं, 5 FIR, कई दिन आंदोलन, 50 से ज्यादा दिन आंदोलन हमने किए, 5 FIR दर्ज हुए, पुलिस की लाठियां खाई, मां बहन की गालियां खाई, 36 दिन तक फुलवारी शरीफ मंडल कारा में बंद रहा। यह अपने लिए नहीं, एसटीटी के लिए, अपने साथियों के लिए, मैं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने जिगर के टुकड़ों के लिए, बिहार के निर्माण के लिए, बिहार में शिक्षा, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए। और मुझे गर्व होता है, मैं हमेशा सीना ठोक के बोलता हूं कि मैं जेल गया, लेकिन कोई आपराधिक घटना में नहीं गया। मैं बिहार निर्माण की बात करता हूँ, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बात करता हूँ, सुधार की बात करता हूँ, एसटीटी की बात करता हूँ, अपने भाइयों, अपने बहनों, अपने साथियों की बात करता हूँ, इसलिए मैं जेल गया। तो मेरे साथियों, जो भी मिला है, और इस ईश्वर ने, इस कुदरत ने, भगवान ने जो हमें दिया है, हमें उसको स्वीकार करना है, क्योंकि लड़ाई लंबी है और हम आगे भी लड़ेंगे। ऐसा मुझे जानकारी मिला है कि शायद 15 दिन में बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो मैं 100% नहीं कर सकता, मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ मुझे सूचना मिला है गुप्त सूत्रों से, नाम नहीं बता सकता, इसके बारे में फोन नहीं करिएगा मेरे साथियों, फिर मैं आपको बताऊंगा। अपने आप मजा करिए और नए साल मनाइए, नए साल की शुभकामनाएं एक बार और, हैप्पी न्यू ईयर इन वेरी एडवांस। किसी भी तरह से मेरे साथियों, एक बात याद कर लेना, मैं यूट्यूबर नहीं हूं और मैं फेसबुकर नहीं हूं, मैं आंदोलनकारी हूं। मैं तो ये जो फेसबुक और यूट्यूब है ना, इसको सूचना देने के लिए मैं केवल यूज करता हूं। मैं केवल भरपेट खा करके घर में यूट्यूब और फेसबुक पे नहीं बोलता। फेसबुक पे लाइव मैं बहुत दिन के बाद आ रहा हूं, मैं जाता तो फेसबुक पे लाइव नहीं आता। आज मन किया, साल का अंतिम दिन है, आया हूं, बस इसलिए एक ही बात कहने की, हौसला मत हारना, जान की बाजी लगा देंगे यार, प्राण त्याग देंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, और इस आंदोलन का अंत हम सिर्फ जीत के साथ करेंगे, शानदार जीत के साथ, अपने साथियों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और बिहार निर्माण के लिए अपने आप को सर्वस्व न्योछावर कर देंगे। हम इसी विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। 2023 आंदोलन का वर्ष होगा, जनवरी और फरवरी तक हमारी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करके
अगले 1 से 2 महीनों में नियुक्ति पत्र हमारे हाथ में होना चाहिए। हम इसी मांग के साथ 2023 में पढ़ेंगे, चिंता मत करिएगा। कई साथियों का सलाह है, कोई कह रहा है आंदोलन करिए, कोई कह रहा है उग्र आंदोलन करिए, कोई कह रहा है भूख हड़ताल करिए, कोई कह रहा है अनशन करिए, कोई कह रहा है गर्दनी बाग में करिए, कोई कह रहा है पद यात्रा करिए। तो जो भी होगा अपने साथियों से बातचीत करके मैं करूंगा, क्योंकि मैं एक लोकतांत्रिक इंसान हूँ, लोकतंत्र में भरोसा है मुझे। जो मेरे साथी कहेंगे, जो मेरे भाई बहन कहेंगे, मैं उसका पालन करूंगा, और आपका जो भी आदेश होगा वो मेरे सर आंखों पर होगा, और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी, उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनेगी। कुल मिलाकर के यही था, अंत में कह रहा हूं एक बार फिर से नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो। टेंशन मत लेना यार, लड़ाई लंबी है, हौसला मत हारना, बस जीत हमारी होगी। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।